अक्सर कहते हैं कि क्लच प्लेटें हैं जब धुआं मार गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो बदबू मार गई हैं, अक्सर मतलब अलग अलग लैंग्वेज में लोग कहते हैं। तो मैंने आपको ये बताना है कि क्लच प्लेटें न्यू डालने के बावजूद भी ये क्लच क्यों काम नहीं करता सही से, आवाज़ क्यों करता है, बैरिंग की आवाज़ करता है, ये काफ़ी चीज़ें मतलब होते हैं फॉल्ट, तो वो मैं आपको अलहदा वीडियो में बताऊँगा। आज मैंने आपको क्लच प्लेटों के मुतालिक बताना है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, ये हमने इसे खोल लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको ये खुल चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको दिखानी है कि क्लच प्लेटें इसकी कैसी हैं। ये देखो प्रेशर प्लेटें बिल्कुल ठीक हैं, ये मेड इन जापान की है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए मेड इन जापान। बाकी इसकी क्लच प्लेटें हैं ये भी ठीक हैं, ओके हैं ये। ये देखिए प्रेशर प्लेट कुछ यहाँ से डैमेज हुई है, ये देखें बाकी भी आप देखें, ये भी चीज़ देखें, बस ये एक साइड है जहाँ से डैमेज हुई है, बाकी सब ओके हैं। ये भी ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बाकी सब ठीक है। उसके बाद ये फ्राई व्हील है, ठीक है, फ्राई व्हील भी ओके है। अक्सर ये चीज़ कट जाती है इसकी, ठीक है, ये चीज़ कट जाती है जिसकी वजह से गाड़ी गर्म भी होती है, क्लच भी सही से काम नहीं करता, तो जितना भी क्लच प्लेट डाल लें। ये स्प्रिंग हमने चेक कर लेना है, स्प्रिंग इसके बिल्कुल ठीक है, और ये क्लच कंट्रोलर है ये बिल्कुल ठीक है, ओके है, ये इसका मसला नहीं है। सिर्फ ये हुआ है, ये हुआ प्रेशर प्लेट की वजह से, प्रेशर प्लेट जब फिट कर रहे होंगे टाइम पर सही फिट नहीं होगी, या मतलब फिट करते टाइम अप डाउन हो गई होगी कोई जगह, उस वजह से ये ख़राब हो चुका है। ये देखें बाकी ठीक ही है, ये ठीक है, बस ये एक ख़राब हो चुकी है। अभी के लिए मैं आपको ये समझाना था इसमें क्या मसला होता है, किस वजह से होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये फ्राई व्हील की वजह से भी मतलब आवाज़ करता है, और अक्सर क्लच काम नहीं करता इसके, अगर कट भी आ जाए ना तो भी ये क्लच कट और आवाज़ करता है, क्लच से काम नहीं करता। अल्लाह हाफिज़, बाकी आपको बाकी बाद में वीडियो में बताऊंगा।